भरतपुर में लगाए गए महंगाई राहत शिविर में आज लोगों ने जमकर हंगामा किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के लिए लोग राहत शिविर में पंजीयन कराने के लिए पहुंचे, लेकिन योजनाओं के पंजीयन के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इस घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने व्यवस्था सुधारने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में जो एनएफएसएम है, जो लोगों का उनके लाभार्थी, उन्हीं लोगों के लिए फूड पैकेट योजना में लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को ये मैसेज था कि यहाँ आने से और महंगाई रात कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने से अगर खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं है तो भी उनको फूड पैकेट मिल जाएगा। इस स्थिति में हमने पहले भी प्रेस नोट जारी करके और लोगों को राशन डीलर्स के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है तो आपको अभी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लाभ नहीं मिल रहा है। अभी 32 लाख जो लोग कोविड में जिनका सर्वे किया गया था उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि उनको फूड पैकेट दिया जाएगा, उसकी भी प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन अभी उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं किया जा रहा है। ऑलरेडी जिले में 3.5 लाख जो एनएफएसएम बेनिफिशरीज थे भरतपुर और डीग जिले को मिला के, उनमें से 3,41,000 से अधिक लोगों ने एमआरसी कैंप्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पूरे जिले में सिर्फ 8 से 9 हज़ार लोग ही इसमें बाकी हैं। इस वजह से कुछ यहाँ भीड़ बढ़ गई थी। मैंने निर्देश दिए कि काउंटर भी बढ़ा दें। कल हमने एक आदमी भी यहाँ पर बढ़ा दिया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महंगाई रात कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए एक ही कैंप संचालित था, एक कैंप भी एक्स्ट्रा बढ़ाने के मैंने निर्देश दे दिया। पहले के आए लाइन में लटा रहा था जो लाइन में एक्चुअली में उनको टोकन नहीं मिले, जो बगैर लाइन वाले हैं उनको पुलिस वालों ने टोकन दे दिया। टोकन के लिए झगड़ रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है। टोकन हम जब 7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए पुलिस वाले साइड में से आके टोकन लेके आ रहे हैं और जनता को वितरण कर रहे हैं, और यहाँ हम पागल है भूखे प्यासे सुबह से खड़े हुए, 3 दिन से काम छोड़ा हुआ है। 200 रुपये की किट मिलेगी, 100 गहलोत जी को यह मालूम नहीं है कि किसको राशन मिल रहा है, क्यों मेरे को किसको किट देनी है, किसके घर में मीटर है, किसको मेरे को यूनिट फ्री करनी है, ये क्या रजिस्ट्रेशन करा दो, इसमें ये करा दो, वो करा दो, जनता को फालतू में परेशान कर दो, करवा दो। कितनी जोर से गर्मी पड़ रही है,